है ये अभी ये डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो ये हम इसके वोल्टेजेस वगैरह आपको चेक करवाते हैं। इसकी स्केलर पट्टी जो है ना वो वोल्ट दे रही है, टॉर्च की वजह से ऑन नहीं हो पा रहा है या वोल्टेज ऊपर प्लस पे कोई शो नहीं कर रही है हमारा। तो इसका ये स्केलर बोर्ड भी ख़राब है और इसकी ये कफ भी ख़राब हो सकती है, बंद हो, बैक लाइट ख़राब हो, कुछ और दूसरे तीसरे प्रॉब्लम है वो हो, तो उसके लिए मेरे पास टेक्नीशियन भी है, हमारे पास दूसरे सारे काम भी होते हैं। तो मतलब ए टू जी LED पूरी वर्किंग जो है ना हम रिपेयरिंग करते हैं। इसकी स्केलर पट्टी जो है हम वो रिमूव कर रहे हैं। ये IC लगी हुई है, ये कफों से जो मसले आते हैं ये IC भी इसी मशीन से, TV के अंदर जैसे कि डेड होता है और वो मदरबोर्ड से मसला है, ये बैकलाइट्स बंद हैं, ऑडियो नहीं आ रही, एवरीथिंग सारे काम करते हैं इंशाल्लाह। ये पैनल अभी मशीन पे जाएगा, ये शॉर्टेज में है, ये हम इसकी दूसरी चेंज करेंगे। PCB टेप होता है जो कि इसको जो सोल्ड करता है, ये हमारे पास ये प्रिंटों के नंबर साथ ये सारी लाइनिंग हमारे लगाने का प्रोसेस है, जो कि हम इसको कंप्लीट करके प्रॉपर लगेगा तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। मशीन जो कि हेड कहलाता है, इसका पंचिंग जो इसको हेड पंच करेगा, ये इसमें यूज़ होने वाली टेफ्लॉन टेप कहलाती है, जो हीट और ये इसकी जो टाइमिंग है, ये कंप्लीट हुआ तो ये अपना हेड अपनी कंडीशन से ऊपर आएगा। ये देखिए हमारा ये ओके आ गया, हमारा डिस्प्ले जो कि नहीं आ रहा था, और ये दिखाएंगे कि वोल्टेज भी प्रॉपर ओके हैं सारे। ये हम कस्टमर का साइन लेते हैं ताकि तसल्ली हो कि यार ये चीज़ जिसकी है उसका सिग्नेचर है। हमारा स्केलर पट्टी बोर्ड ख़राब था फिलहाल। अच्छा, इसमें कुछ और आते हैं फॉल्ट जो कि उसमें लाइन्स आ रही होती हैं, कुछ बेल्ट बन रहे होंगे या थोड़ी बहुत पिक्चर बन रही होगी, ग्राफ आ रहे होंगे, बेल्ट बन रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें नोयत के फॉल्ट आते हैं। ठीक है, ये हमने सेपरेट किया हुआ, इसमें हमारे पास फिटिंग विटिंग का सारा सामान है, ये कंप्लीट हमने बना के रखा है। ये स्मार्ट TV है, चाइना का बोर्ड इसमें लगा हुआ था लेकिन ओरिजिनल डाला है हमने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, मैं हूं जावेद से, तो और एक बार फिर मैं आपके साथ में हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज मैं जिस जगह में मौजूद हूं ये आप देख सकते हैं, ये बॉन्डिंग मशीन कहलाती है। ज्यादातर लोगों के घर में TV के मसले आ रहे होते हैं, TV पे लाइन आ रही होती है, कोई और मसले आ रहे होते हैं, लेकिन मैकेनिक के पास जाते हैं, वो आपको छोटे से फॉल्ट का भी काफी पैसे बताते हैं। और ज्यादातर तो लोग ये करते हैं कि अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको स्क्रैप कर देते हैं और वो TV समझते हैं कि नहीं बनती, लेकिन ये मशीन है, इसके जरिए बहुत से फॉल्ट जो है इसके बॉन्डिंग वाले इसको काम कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी मालूम आ जाते हैं ये किस तरह काम करती हैं और उसमें कौन कौन से ये जो है फॉल्ट सही करते हैं, तो आए बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जान, अपना नाम बता दीजिएगा व्यूअर्स को। मोहम्मद जुबैर नाम है मेरा। जुबैर भाई, अपनी शॉप का एड्रेस बता दें, कौन सी जगह पे है? सर ये मेन लीगल चौक है, लीगल चौक पे जो बंस रोड की तरफ रोड जाता है, उल्टे हाथ पे आपके कोऑपरेटिव मार्केट पड़ती है जहाँ पे गन्ने के रस की मशीन लगी हुई है, उसी के थोड़ा सा आगे आएंगे फैसल बैंक है, फैसल बैंक के बराबर से एक जीना है, उसके साथ एक और जीना आगे आके आ रहा है, उल्टे हाथ पे आपका गली से पहले पड़ता है, तो वहाँ से ऊपर आएंगे, ये जुबैर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेकंड फ्लोर पे है, सर्वर इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक के बराबर में जीना ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आप ये बता दीजिएगा कि आप TV के हवाले से काम करते हैं, इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और क्या क्या होता है, किस तरह काम होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ज़्यादातर तो आपके पास जो पैनल के हवाले से और इस तरह के इशू होते हैं वो पूरा बताइएगा हमें और फिर दिखाएगा भी। जी बिल्कुल, दिखाते भी हैं और बता भी रहे हैं कि ये कि इसमें होता ही है कि पैनल के हवाले से भी फॉल्ट आते हैं, म्यूट होता है पैनल, कुछ लाइनिंग आ रही होती है, कुछ लाइंस होती हैं और बंद भी आते हैं TV। आए मैं आपको ये पैनल दिखाता हूँ जो कि हमने निकाला है, ये अभी डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो ये हम इसके वोल्टेजेस वगैरह आपको चेक करवाते हैं। ये नहीं कि इस पर कुछ भी नहीं आ रहा अभी, इस पर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इसकी स्केलर पट्टी जो है ना वो वोल्ट दे रही है, आप मीटर पे दिखा सकेंगे तो यहाँ पे ये वोल्ट हमें बता रहा है कि ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। ये सेट हमारा ऊपर मदरबोर्ड हमारा कार्ड जो है ना वो वोल्टेज दे रहा है ऊपर पैनल को, लेकिन पैनल जो है ना शॉर्टेज की वजह से ऑन नहीं हो पा रहा है या वोल्टेज ऊपर प्लस पे कोई शो नहीं कर रही है, हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा,
तो इसका ये स्केलर बोर्ड भी खराब है और इसकी ये कफ भी खराब हो सकती है, लेकिन हम आपको ये चेकिंग पूरी प्रोसेस में दिखाएंगे कि ये कैसे होता है। और जो है कि ये हमारा पैनल की वर्किंग है, इसके अलावा बंद हो, बैक लाइट्स खराब हो, कुछ और दूसरे तीसरे प्रॉब्लम्स है वो हो, तो उसके लिए मेरे पास टेक्नीशियन भी है, हमारे पास दूसरे सारे काम भी होते हैं। तो मतलब ए टू जी LED पूरी वर्किंग जो है ना हम रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपका किस तरह मशीन के थ्रू करते हैं, किस तरह करते हैं, और दिखाएगा भी किस ये किस तरह होगा काम इसका? ये ऐसे होगा कि इसका जो मशीन पे होगा ये हम इसका रिमूव करेंगे, इसकी स्केलर पट्टी जो है हम वो रिमूव कर रहे हैं, ये हटाई जाएगी इससे, फिर इसको ये दूसरा जो इसका ये तिकोन है ना, कफ का तिकोन कहलाएगा, ये पैनल से जो अटैच है ये हमें चेंज करना है, ये हम मशीन से चेंज करेंगे। तो ये इसको जो है ना प्रॉपर तरीके से पैनल को हम क्लीन करेंगे, इसकी जो कॉफ IC है, क्योंकि हमें स्केलर हमारी खराब है, हमें चेंज करनी है। इसी तरह से ये कॉफ IC जो है, ये IC लगी हुई है, ये कफों से जो मसले आते हैं ये IC भी इसी मशीन से रिप्लेस की जाती है, जो चेंज करके हम पैनल को रिपेयर करते हैं। हमारे पास ये बेसिक काम जो है ना, ये कॉफ की रिप्लेसिंग का है, चेंज करने का है, और पैनल के हवाले से जितने फॉल्ट हैं, स्केलर बोर्ड से हो या फिर अदरवाइज TV के अंदर जैसे कि डेड होता है और वो मदरबोर्ड से मसला है, ये बैकलाइट्स बंद हैं, ऑडियो नहीं आ रही, एवरीथिंग सारे काम करते हैं इंशाल्लाह। ये पैनल अभी मशीन पे जाएगा, जो कि हमने स्केलर इसकी चेंज करनी है, ये इसकी स्केलर ये ख़राब निकली है, ये शॉर्टेज में है, ये हम इसकी दूसरी चेंज करेंगे। ये मशीन क्या कहलाती है जिसपे आप काम कर रहे हैं? ये बॉन्डिंग मशीन कहलाती है, जो कि हम बोलते हैं उर्दू में पंचिंग की जाती है, जैसे कि इसमें हीट और वेट का जो है ना वो सेंसर का कमाल है, जो कि मशीन ही कर सकती है। ये हमारे पास इसका PCB टेप होता है, जो कि इसको जो सोल्ड करता है, जो हीट से सोल्ड होगा। ये हमारे पास PCB कैम है, जो मशीन के अंदर इंक्लूड है, जो हमें प्रिंट दिखा रहा है इसके सारे, जो कि आप देख सकते हैं कि ये नंबरिंग, ये प्रिंटों के नंबर है सारे, ये लाइनिंग है इसकी, ये सारी लाइनिंग है। ये हमारा लगाने का प्रोसेस है, जो कि हम इसको कंप्लीट करके मशीन से पंच करेंगे। ये इसके प्रिंट मैच किए जा रहे हैं, जो कि प्रॉपर लगेगा तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। ये हमारी मशीन है, जो कि हेड कहलाता है इसका, पंचिंग जो इसको हेड पंच करेगा। ये इसमें यूज होने वाली टेफ्लॉन टेप कहलाती है, जो कि इसका भी किरदार है। ये इसकी हीट और ये इसकी जो टाइमिंग है, प्रोसेस टाइमिंग इसकी कंप्लीट होगी तो ये कंप्लीट होगा।
अब ये कंप्लीट हुआ तो ये अपना हेड अपनी कंडीशन से ऊपर आएगा, जो कि हमारा काम हो चुका है। अब हम इसको चेकिंग की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए हमारा ये ओके आ गया, हमारा डिस्प्ले जो कि नहीं आ रहा था, और ये दिखाएंगे कि वोल्टेज भी प्रॉपर ओके हैं सारे। ये हम कस्टमर का साइन लेते हैं ताकि तसल्ली हो कि यार ये चीज़ जिसकी है उसका सिग्नेचर है। अच्छा, ये जो पट्टी आ रही है नीचे वाली है, ये नीचे जो है ना ये बेल्ट बना हुआ है, वो हमने शीट लगाई हुई कि स्क्रैचेज नहीं आए। शीशे के ऊपर शीशा रखेंगे स्क्रैच आ जाते हैं, ठीक है। शीशे की कंडीशन खराब होती है जो कि कस्टमर जो है ना। अच्छा, तो ये जो फॉल्ट है क्या फॉल्ट कराता है? जैसे ये हमारा स्केलर पट्टी बोर्ड खराब था फिलहाल। अच्छा, जिसमें इसकी स्क्रीन नहीं आ रही थी, इसकी स्क्रीन नहीं आ रही थी। अच्छा, कुछ और आते हैं फॉल्ट जो कि उसमें लाइंस आ रही होती हैं, कुछ बेल्ट बन रहे होंगे या थोड़ी बहुत पिक्चर बन रही होगी, ग्राफ आ रहे होंगे, बेल्ट बन रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें नोयत के फॉल्ट आते हैं। ठीक है, इस वजह नहीं कि वो लाल लाइट जल रही होती है और पिक्चर नहीं आती, ब्लैक आता है, बिल्कुल ब्लैक आता है, म्यूट आ रहा होता है जो। ठीक है, तो ये अगर खर्चा है इसका कितने तक हो जाता है फिर? ये जो पैनल की वर्किंग है ये 32 इंच की कम से कम, आजकल जैसे सामान महंगा हो गया, जब काफी टाइम पहले जी 4-5 साल से ये स्टार्ट हुआ है काम बॉन्डिंग का, जब तो कफे सस्ती थी, सामान सस्ता था तो 4 बार लोग ले रहे थे, अभी 5 भी है 6 भी है कप पैनल के हवाले से लेते हैं कि भी 4 कप वाला है, 2 कप वाला है या सिंगल कप है। तो वैसे स्टार्टिंग पैनल की 32 इंच की 4000 रुपए से है, 4000 रुपए से, ठीक है। और बीच में जैसे कुछ लाइन आ रही होती है, बीच में से एक साइड आ रही होती है स्क्रीन, एक साइड नहीं आ रही होती, तो वो क्या फॉल्ट होता है और वो कितने तक रिपेयर हो जाता है? वो भी पैनल का है, कफ के हवाले से, जैसे कि ये स्केलर बोर्ड हमने चेंज किया, इसके 3000 रुपए स्केलर बोर्ड के, खाली स्केलर बोर्ड के। और अगर हम कम्प्लीट करते हैं, जैसे कोई कस्टमर हमारे पास आया उसमें एक लाइन आ रही है और वो बोल रहा है यार ये मुझे सारे कफ तब्दील करवाने हैं जो कि इसके अंदर 4 कफ लगे हुए, फिर उसका खर्चा अलग से होगा, उसको सामान देखा जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा कितने का है। अगर 5 बार का सामान है तो 3 बार 2000 बॉन्डिंग के होते हैं जो कि 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा हो सकता है। अगर वो बोलते हैं कि नॉर्मली आप यही कर दें, पूरा कंप्लीट नहीं करें, तो फिर 3 हज़ार 4 हज़ार इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी काम इसके हवाले से बॉन्डिंग के अलावा या कोई भी होता है फॉल्ट लगता है तो उसके हवाले से आप काम करते हैं? जी बिल्कुल, बैकलाइट्स भी चेंज करते हैं जो कि ये हमारा ये एरिया है, ये हमने सेपरेट किया हुआ है, इसमें हमारे पास फिटिंग विटिंग का सारा सामान है, ये कंप्लीट हमने बना के रखा है। ये स्मार्ट टीवी है, चाइना का बोर्ड इसमें लगा हुआ था लेकिन ओरिजिनल डाला है हमने, ये हमारा 40 इंच का, यहाँ पे हमारी खोलने की फिटिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, और यहाँ बैकलाइट्स वगैरह चेंज करते हैं। बाकी पैनल के हवाले से हम खोल के पैनल को यहाँ लाते हैं और उसके ऊपर वर्किंग की जाती है, फिर पैनल के कफ वगैरह जो कि ये मशीन से चेंज होते हैं वो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी को कार्ड भी चेंज कराना है, जैसे बोर्ड आपने कहा कि इसको दूसरा लगाया हुआ है, तो वो कितने तक हो जाता है, आप कितने तक कर लेते हैं? वो बोर्ड के ऊपर है, जैसे कि बोर्ड हमारा चाइना का बोर्ड लगाना है या ओरिजिनल लगाना है, वैसे नॉर्मली स्मार्ट बोर्ड 5-5.5 हज़ार के जैसे मार्केट में आ रहा है, इसमें महंगे वाले भी हैं अच्छे वाले भी हैं, तो उसमें कार्ड चेंज करना हो तो कस्टमर की चॉइस है कि वो पुराना लगवाता है या नया, तो नया बोर्ड वैसे नॉर्मली 5-6 हज़ार रुपये का लगता है चाइना वाला। ठीक है, एक जैसे एक ये भी इशू आता है कि पूरा ये जो इसका शीशा जो कहते हैं जो भी कहते हैं स्क्रीन, जी स्क्रीन, स्क्रीन चेंज की जाती है, चेंज करवानी हो टूट जाती है या कोई भी है, तो वो कितने तक हो जाती है? 32 इंच की अगर ओरिजिनल स्क्रीन मतलब चाइना की आती है, न्यू ली जाए तो 16,500 रुपये का रेट है। अच्छा, उसके अंदर हम जो है 16,500 का लोग दे रहे हैं, हम आपको फिटिंग के साथ लगा के देंगे नया पैनल। ठीक है, यानी कि मिल जाती है वो सारी स्क्रीनें मिल जाती है, लेकिन बड़े साइजों में 55 में 65 में 4K जो है वो शॉर्ट है, और 32 इंच में अगर कोई रिकंडीशन चला हुआ फ्रेश पैनल लगाना चाहे तो उसका 13,000 रुपये तक का पैनल ओरिजिनल मिल जाता है, मतलब रिकंडीशन होता है, थोड़ा बहुत चला हुआ होता है वो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जैसे आप एक्सचेंज करना चाहें, जैसे कोई किसी में फॉल्ट आया हुआ है, किसी की बॉडी वॉडी आप लोग जिस तरह चेंज करते हैं, तो वो भी आप एक्सचेंज? बिल्कुल, हम चेंज एक्सचेंज करते हैं, 40 इंच का, 50 इंच का, 32 इंच की वरायटी हमारे पास मौजूद होती है, तो उसमें अच्छे टीवी हम सेल भी करते हैं और जो रिप्लेसमेंट में होता है वो हम परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जो अपना रابطے का नंबर ही बता लीजिएगा ताकि अगर कोई आपसे رابطہ करना चाहे, किसी को यहाँ पे टीवी लेके आना है या आपसे कोई मालूमात चाहिए, और अगर एड्रेस समझ नहीं आता तो आपसे आसानी से رابطہ कर सके। जी बिल्कुल, नंबर मेरा जोंका है 0313-2132-292 2192 2392
और एड्रेस मेन आसान एड्रेस है, रीगल चौक का कोऑपरेटिव मार्केट मशहूर है, जहाँ पे गन्ने के रस की मशीन लगी है उसके बिल्कुल करीब ही है, तो वहाँ आके कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, मेहरबानी।